हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री बीबी। फ्रेंड्स, आप भी सोच रहे होंगे कि आज ये बिंदी मैंने क्यों उठाई हुई है हाथों में। तो ये बहुत प्यारी लगती है, बहुत न्यारी लगती है और इंडियन ब्यूटी है। तो ये बिंदी बहुत काम की है फ्रेंड्स। सिर्फ एक श्रृंगार, एक मेकअप ही नहीं है, ये आपको फैब्रिक पेंटिंग करने में बहुत बड़ी हेल्प भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, ये उन्हीं के लिए है जिन्हें फैब्रिक पेंटिंग करना एक बहुत बड़ा झंझट लगता है। झंझट नहीं है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। और बहुत ही इजी जो है ना, मैं आप सभी के लिए आज ये ट्रिक भी लेकर आई हूँ फैब्रिक पेंटिंग करने की। तो है ना अमेजिंग, बिंदी से फैब्रिक पेंटिंग कैसे करें, इसीलिए तो आज मैंने ये बड़ी सी बिंदी भी लगाई है। अच्छी लग रही है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको शो करती हूँ कि मैंने जो फैब्रिक पेंटिंग की है बिंदी से, कुछ बॉर्डर्स क्रिएट करे हैं, वो कैसे किए हैं। और आप उस तरह के बॉर्डर्स को किसी भी सूट, साड़ी, दुपट्टा, पिलो कवर, कुशन कवर, बेडशीट, किसी पर भी ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। ये ख़राब नहीं होगी और इसका लुक एकदम परफेक्ट आने वाला है। लेकिन वो दिखाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स। आपको अगर आज पूरी वीडियो देखने के बाद लगे कि हाँ, वीडियो लाइक करने लायक है, तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा फ्रेंड्स। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हैक्स और बहुत सारे जो है ना एडवांस्ड तरीके फैब्रिक पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट के सीखेंगे भी। तो आप अगर सब्सक्रिप्शन देंगे तो सब्सक्रिप्शन में आपका कुछ नहीं जाता, बस आपके पास एक जो है ना प्लेटफॉर्म हो जाता है कि यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक छोड़कर ज़रूर जाइएगा फ्रेंड्स। मैं भी तो देखूँ मेरे व्यूवर कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या सीखना चाहते हैं। तो चलिए अब सस्पेंस खोलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत इजी जो है ना आज ये बॉर्डर क्रिएट किए हैं और ये किए हैं मैंने बिंदी से। और किस किस तरह से किए हैं ये मैं पूरी बारीकियाँ आपको अभी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, देखिए और सीखिए। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप सभी के अपने YouTube चैनल आर्ट फैक्ट्री पीटी पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए है ना, बहुत प्यारी प्यारी सी, न्यारी न्यारी सी, खूबसूरत सी बिंदी। और ये बिंदी आज हमारे बहुत काम आने वाली है। अभी अभी मैंने बताया ना, हम बिंदी से करेंगे फैब्रिक पेंटिंग। तो आप लोग ना पहले से एक छोटा सा मार्क बना लीजिएगा जिसके अंडर आपको जो है ना डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद आप जो है ना, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आप इस तरह से बिंदी पेस्ट करते जाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को ना पूरा देखिएगा। मैं बिंदी से आपको एक ब्लॉक बनाना भी सिखाऊंगी। ब्लॉक पेंटिंग करते हैं ना, तो वो ब्लॉक भी किस तरह से हम बनाएंगे बिंदी से, वो भी आप सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और ये देखिए, जिस तरह से मैं इसमें पैटर्न दे रही हूँ ना, पैटर्न आप कोई भी दीजिएगा जो आपका दिल करे। ये तो अपनी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन आप बिंदी से क्रिएट कर सकते हैं, कितने भी ईजी डिज़ाइन आप बिंदी से क्रिएट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ईजी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये है बिगनर्स के लिए। और बिगनर्स जो करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो वो निराश ना हो। आर्ट फैक्ट्री पीडी चैनल पर तो बहुत सारे ऐसे हैक्स की वीडियो है ऑलरेडी, जो आप देखकर ना इजीली फैब्रिक पेंटिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने जो है ना कपड़ों को, घर को, खुद को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो ये देखिए, जब आपका पैटर्न बिल्कुल रेडी हो जाए ना, तो इस तरह से कलरिंग कर दीजिए। चाहे तो एक ही कलर कर दीजिए, चाहे मल्टी कलर कर लीजिए। मैं आपको दो कलर इसके लेकर दिखा रही हूँ
ताकि आपको जो है ना इसका भी जो है ना अनुभव हो जाए कि अगर हम 2 कलर 3 कलर 4 कलर या कितने भी कलर लें तो वो जो डिज़ाइन है ना उसकी ब्यूटी अपने आप में बहुत खूबसूरत लगती है। और ये बहुत इजी भी है फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बाटिक प्रिंट के जैसा इसका लुक आता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बिंदी से बाटिक प्रिंट कैसे करें, बिंदी से बाटिक प्रिंट करने का भी ये बेस्ट तरीका है। तो ये देखिए, हमने वो जो डिज़ाइन तो कर लिया, अब उसको थोड़ा सा सूखने के छोड़ते हैं और हम नेक्स्ट डिज़ाइन की ओर बढ़ते हैं। ये है एक पैच, और ये पैच है मैंगो पैटर्न, और इसमें मैंने कुछ नहीं किया, कुछ बड़ी बिंदी और कुछ छोटी छोटी बिंदी जो है ना इस प्रॉपर शेप में मैंने चिपका कर और कलर कर दिया है। ये भी डॉटेड बहुत खूबसूरत लग रहा था, ना फ्रेंड्स, आपने अभी देखा था। तो अब किस तरह से ये पैच है ना ये आप बना सकते हैं, और ये एक बार चिपका कर बिंदी वेस्ट नहीं होती फ्रेंड्स, आप इसको 2 से 3 बार इजीली जो है ना यूज़ कर सकते हैं। और बहुत बिंदियां ऐसी ना हमारे घरों में हमारी मम्मियों की हमारी वेस्ट भी होती है, जो बहुत पुरानी होती हैं, ओल्ड फैशन हो जाती हैं, उनको हम रीयूज़ करती हैं। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी ना फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए बिंदी का एक बहुत ही जो है ना एक दमदार और एक बहुत ही बेहतरीन यूज़ और कस्टमाइजेशन कुछ ऐसा लेकर आने वाली हूँ जो आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। तो चलिए ब्लॉक बनाना सीखते हैं। ये छोटी सी पॉन्ड्स की जो है ना डब्बी है जो हम पर्स में रखते हैं अक्सर सर्दियों में, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, मैं बिंदी से ना उसका जो पीछे का कागज़ होता है वो उतारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो उतर नहीं पा रहा है, तो मैं जो है ना इसको उतार के और अभी पेस्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए, स्टार शेप की ये बिंदी मैंने ली है। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो मेरी ये वेस्ट मल्टी कलर की है ना, क्योंकि इस तरह के जब हम कार्ड्स ले लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कलर्स जो हम नहीं यूज़ करते हैं और नहीं पहनते हैं, तो उनको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कैसे कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये ध्यान से देखिए, मैं एक के ऊपर एक 2 बिंदी चिपका रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी पतली होती है और हमारी जो सेंटर की स्टार वाली बिंदी है ना वो वेलवेट की है, तो वो थोड़ी सी मोटी है। तो इस तरह से ये देखिए जो है ना मेरा एक जो बिंदी का मैं डॉट बनाया था वो कलर में ही गिर गया, तो मैं उसको हटाकर और लगा रही हूँ। तो ये देखिए कितनी इजी और प्यारी सी स्टैम्पिंग बन गई है ना फ्रेंड्स। हमें तो ना पोटैटो की ज़रूरत है, ना भिंडी की ज़रूरत है, ना ही किसी प्याज की ज़रूरत है, लेकिन हमारी जो स्टैम्पिंग है ना देखिए कितनी अच्छी बन गई है। और इसको ऐसे चिपके रहने देंगे तो आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, 2 बॉर्डर हैं जो मैं आपको ना वो बता नहीं पाई, वीडियो में रह गया, लेकिन वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। वो मैंने दोनों सेलो टेप होती है ना वो चिपका कर और उसके बीच में बिंदी को चिपका कर और तब मैंने वो कलर किया था। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह दिया होगा। मैंने बिगनर लेवल के ही बॉर्डर्स इसमें लिए थे, हम एडवांस लेवल भी लेंगे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो। आज की वीडियो को देखकर क्या रिस्पॉन्स आपका है आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ये डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिक्स है जो आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और ये मेरी खुद की क्रिएट की हुई हैं। तो ये देखिए, ये है वो 2 बॉर्डर्स जो मैं वीडियो में नहीं कैप्चर कर पाई, ये मैंने उन्हीं जो चिपकाई हुई बिंदियाँ थी ना उन्हीं से ये बॉर्डर क्रिएट किए हैं। तो ये दुपट्टे के बॉर्डर पर बने हुए होते हैं ना, तो बहुत अच्छा रेडीमेड जैसा सा लुक आता है। तो आपको इनमें से कौन सा बॉर्डर अच्छा लगा और कौन सा आप बनाने वाले हैं, जल्दी जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लेकिन हाँ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कुछ नया होता है ना तो हमें भी जानने की उत्सुकता रहती है कि आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो थी ये स्पेशली बिगनर्स के लिए थी, एडवांस लेवल पर भी जल्द ही लेकर आऊँगी। और अब जो फैब्रिक पेंटिंग के हैक्स है ना वो देखनी है तो लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, दुपट्टा पेंटिंग देखनी है तो राइट साइड में।